गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संजय कुमार सिंह फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, भोपाल. टुडे इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 4, हियर आई विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन LMTD, डिफिनीशन ऑफ इफेक्टिवनेस कैपेसिटी रेशियो एंड NTU, नॉन डायमेंशनल टर्म्स, डेरिवेशन ऑफ इफेक्टिवनेस NTU फॉर पैरेलल फ्लो, derivation of effectiveness NTU for counter flow, and numerical based on effectiveness NTU method. This is the question based on LMTD. LMTD एंड किसी भी न्यूमेरिकल को LMTD NTU मेथड से, दो मेथड है, दोनों से सॉल्व अगर करना है एग्जाम में, किससे सॉल्व करें नहीं करें, तो ऑलवेज आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर, हॉट फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर, यानी कि चारों टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है या डेटा गिवन है जिससे कि हम चारों टेम्परेचर निकाल सकते हैं. अगर ये पॉसिबिलिटी है तभी आप LMTD मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज यूज करेंगे NTU मेथड. LMTD मेथड, दोनों मेथड सिंपल है, LMTD मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन ये तब सुटेबल है जबकि चारों टेम्परेचर नोन हो या क्वेश्चन में डेटा हो जिससे कि हम चारों टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, तभी हम LMTD मेथड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज LMTD मेथड का यूज हम नहीं कर सकते. तो नाउ क्वेश्चन है कि काउंटर फ्लो, क्वेश्चन में काउंटर फ्लो दिया हुआ है, यानी कि फ्लूड फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूजिंग, सुपर हीटेड स्टीम इज यूज टू हीट द वाटर एट ए रेट ऑफ 3 kg/s. यानी कि यहाँ वाटर क्या हो गया, यहाँ कोल्ड फ्लूड हो गया, स्टीम क्या, सुपर हीटेड स्टीम क्या हो गया, हॉट फ्लूड हो गया. तो वाटर का मास फ्लो रेट, यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड दे दिया 30 kg/s. स्टीम इंटर्स एट 180 degrees Celsius, यानी कि हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर THI दे दिया 180 degrees Celsius, एंड लीव्स एट 120 degrees Celsius, यानी कि हॉट फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर 120 degrees Celsius दे दिया, यानी कि THI में हमको मिल गया, THO मिल गया, फुल स्टॉप. द इनलेट एंड एग्जिट टेम्परेचर ऑफ वाटर आर 30 degrees Celsius, यानी कि कोल्ड फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर यानी कि TCI 30 degrees Celsius, कोल्ड फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर TC0 यानी कि 80 degrees Celsius रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ चारों टेम्परेचर, हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर, हॉट फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर, चारों टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो LMTD मेथड जो है यहाँ बेस्ट सुटेबल है, हम उसका यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप. द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज, कैपिटल यू का वैल्यू दे दिया 820 W/m². कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड, हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड यानी कि हीट एक्सचेंजर का एरिया कितना होगा हमको फाइंड आउट करना है, फुल स्टॉप. व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इफ फ्लूड फ्लोज इन पैरेलल. अगर फ्लूड जो है पैरेलल फ्लो हो कर दे तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट करना है. और क्वेश्चन में दे रहा है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है 4.187 kJ/kg यूज करना है. तो जो डेटा गिवन है, मास ऑफ कोल्ड फ्रूट 3 kg/s, कोल्ड फ्रूट का इनलेट टेम्परेचर 30 degrees Celsius, कोल्ड फ्रूट का आउटलेट टेम्परेचर 80 degrees Celsius, हॉट फ्रूट का इनलेट टेम्परेचर 180 degrees Celsius, हॉट फ्रूट का आउटलेट टेम्परेचर 120 degrees Celsius, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 820 W/m², स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.187 kJ/kg दिया हुआ है. नाउ फॉर काउंटर फ्लो, काउंटर फ्लो के केस में थीटा वन क्या हो जाता है, THI माइनस TCO. तो THI माइनस TCO करके हम निकालिए वैल्यू ऑफ थीटा वन.
काउंटर फ्लो के केस में थीटा टू, थीटा टू क्या हो जाता है, टी एच ओ माइनस टी सी आई। टी एच ओ टी सी आई का वैल्यू 120 माइनस 30, ये आ गया 90 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हमको यहाँ से क्यू निकाल लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू एम सी 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 टी सी ओ माइनस टी सी आई या एम एच सी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि मास फ्लो रेट सिर्फ कोल्ड फ्लूड का दिया हुआ है 3 kg/s, हॉट फ्लूड का मास फ्लो रेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ एम एच सी एच टी एच आई माइनस टी सी ओ का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम निकाल लिए क्यू, क्यू एम सी दिया हुआ है, सी सी दिया हुआ है, टी सी ओ टी सी आई दिया हुआ है, यहाँ से हम निकाल लिए क्यू इज इक्वल टू 8268050 वाट। नाउ अब हम एलएमटीडी मेथड में ये डेरिवेशन जब डिराइव किए थे तो रिजल्ट हम फाइंड आउट किए थे, क्यू इज इक्वल टू यू ए थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ए थीटा टू बाई थीटा वन। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू का वैल्यू ए निकालना है, फाइंड आउट करना है, थीटा टू थीटा वन बाई थीटा टू थीटा वन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ से आ गया सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8.06 m² कप व्हेन फ्लूड इज फ्लोइंग इन काउंटर फ्लो डायरेक्शन। जब फ्लूड जो है काउंटर फ्लो डायरेक्शन में फ्लूड फ्लो हो रहा है उस समय एरिया चाहिए 8.06 m². नाउ सेकेंड बिट क्वेश्चन का दे रहा है कि अगर फ्लूड जो है पैरेलल फ्लो डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो एरिया कितना चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो यहां से हम अब पैरेलल फ्लो कंसीडर कर रहे हैं। नाउ फॉर पैरेलल फ्लो थीटा वन, पैरेलल फ्लो के केस में थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टी एच आई माइनस टी सी आई। टी एच आई टी सी आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थीटा वन निकाल दिए। थीटा टू इज इक्वल टू टी एच ओ माइनस टी सी ओ, सब्स्टिट्यूट करके यहां से हम थीटा टू निकाल लिए। Q इज इक्वल टू हम जानते हैं यू ए थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ई थीटा टू बाई थीटा वन, सबका वैल्यू क्यू का वैल्यू थीटा टू थीटा वन का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये यहाँ से एरिया निकल गया, एरिया इज इक्वल टू 9.20 m². यानी कि जब काउंटर सेम फ्लूड काउंटर फ्लो में जो फ्लो हो रहा था तो 628050 वाट हीट को ट्रांसफर करने के लिए 8.06 m² एरिया की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जब पैरेलल फ्लो में हम फ्लो करा रहे हैं तो सेम हीट 628050 वाट हीट को ट्रांसफर कराने के लिए हमको 9.20 m² एरिया की जरूरत पड़ रही है। यानी कि काउंटर फ्लो जो अरेंजमेंट होता है उसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल फ्लो। अब यहाँ हमको फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया रिक्वायर्ड फॉर काउंटर फ्लो माइनस एरिया रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल फ्लो बाई एरिया रिक्वायर्ड फॉर काउंटर फ्लो मल्टीप्लाई बाई 100%। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लिए तो 14.17% एरिया ज़्यादा, यानी कि सेम हीट फ्लो कराने के लिए जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन में सेम हीट फ्लो कराने के लिए पैरेलल फ्लो में काउंटर फ्लो के रेस्पेक्ट में 14.17% ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलएमटीडी मेथड। अब एनटीयू मेथड जानने से पहले तीन डायमेंशन लेस टर्म हमको जानना जरूरी है। फर्स्ट डायमेंशन लेस टर्म है हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस। हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज एप्सिलॉन। तो क्या होता है हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस, इट इज ए डायमेंशन लेस पैरामीटर एंड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट by the heat exchanger to the maximum possible heat transfer rate Q max, and it is denoted by epsilon. Means effectiveness क्या होता है, ratio of actual heat
ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट या मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, अगर कोल्ड फ्लूड की बात करें तो एम सी सी पी सी टी सी ओ माइनस टी सी आई, हॉट फ्लूड की बात करें तो एम एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट कोल्ड फ्लूड से हम ऐसे निकाल लेंगे, हॉट फ्लूड से इस तरह से निकाल लेंगे। अब व्हाट इज क्यू मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम क्या होगा, तो क्यू मैक्सिमम जानने के लिए व्हाट इज क्यू मैक्सिमम, तो नाउ क्यू मैक्सिमम यहां से हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मीन्स सी एच इज इक्वल टू एम एच सी एच, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूड, सी सी इज इक्वल टू एम सी सी सी, हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूड। अब अगर दो फ्लूड है, हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड, हॉट फ्लूड के हीट कैपेसिटी का नाम दिए सी एच, कोल्ड फ्लूड के हीट कैपेसिटी का नाम दिए सी सी, तो या तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सी एच इज ग्रेटर देन सी सी होगा। अगर हम बात करें तो सी एच इज ग्रेटर देन सी सी होगा या सी एच इज लेसर देन सी सी होगा। तो अगर सी एच इज ग्रेटर देन सी सी है, यानी कि सी एच का वैल्यू सी सी से ज़्यादा है, तो उस केस में हम सी एच को बोल लेते हैं सी मैक्सिमम, सी सी को बोलते हैं सी मिनिमम। इसी तरह से इफ सी एच इज लेसर देन सी सी, तो उस केस में सी एच क्या को हम बोलेंगे सी मिनिमम, सी सी को बोलेंगे सी मैक्सिमम। तो दोनों फ्लूड में किसी एक फ्लूड का मिनिमम हीट कैपेसिटी होगा और दूसरे फ्लूड का मैक्सिमम हीट कैपेसिटी होगा। तो यहाँ ध्यान दें कि द फ्लूड हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी रेट कैन एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। जिस फ्लूड का हीट कैपेसिटी कम होता है वो फ्लूड ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस अचीव करता है, यानी कि हॉट फ्लूड का अगर सी 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 एच ज़्यादा है तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, कोल्ड फ्लूड का अगर सी एच सी सी कम है तो वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा अचीव करेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हीट एक्सचेंजर में मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है पूरे हीट एक्सचेंजर में, हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर, एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है कोल्ड फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस हीट एक्सचेंजर में जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड एंड इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड। चूंकि इनलेट टेम्परेचर टी एच आई सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड टी सी आई इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस जो अगर हमको अचीव करना है तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस किसके साथ होगा, जिस फ्लूड का हीट कैपेसिटी मिनिमम होगा। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्लूड हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी रेट कैन एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, तो जिस फ्लूड का हीट कैपेसिटी मिनिमम होगा उसके साथ मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, टी एच आई माइनस टी सी आई। तो अब क्यू मैक्सिमम जो हम अभी देखे थे हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस का डिफिनेशन, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट क्या था, एम सी 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 टी सी ओ माइनस टी सी आई या एम एच सी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ। दूसरा मैक्सिमम क्यू मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू सी मिनिमम, सी मिनिमम इंटू टी एच आई माइनस टी सी आई। सी मिनिमम क्या होगा, अगर ये कंडीशन है कि सी एच इज ग्रेटर देन सी सी तो सी मिनिमम हो जाएगा सी सी, अगर ये कंडीशन है कि सी एच इज लेसर देन सी सी
तो सी एच हो जाएगा सी मिनिमम, सी सी हो जाएगा सी मैक्सिमम। तो ये हमको जानना है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एंड डेरिवेशन के लिए। हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस, हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस मतलब रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट। नाउ सेकेंड नॉन डायमेंशनल टर्म है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, दैट इज एनटीयू। एनटीयू इट इज ए डायमेंशनलेस पैरामीटर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हीट एक्सचेंजर टू द हीट कैपेसिटी रेट ऑफ फ्लू। एनटीयू इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हीट एक्सचेंजर टू द हीट कैपेसिटी रेट ऑफ फ्लू। हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू सरफेस एरिया यू ए एंड हीट कैपेसिटी रेट ऑफ फ्लूड दैट इज सी मिनिमम। तो यू ए बाई सी मिनिमम, यू ए बाई सी मिनिमम इज इक्वल टू एन टी यू। नाउ थर्ड डायमेंशनलेस जो टर्म यहाँ हमको जानना है दैट इज कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो को इंडिकेट करने के लिए सिंबल हम यूज करते हैं सी आर कैपिटल एन, कैपिटल सी कैपिटल आर कैपिटल एन। तो इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मिनिमम हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट, या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सी मिनिमम टू द सी मैक्सिमम, यानी कैपेसिटी रेशियो सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सी मिनिमम टू द सी मैक्सिमम। ये तीन डायमेंशनलेस टर्म हमको जानना है, इफेक्टिवनेस क्यू एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट, एनटीयू एनटीयू इज इक्वल टू यूए बाई सी मिनिमम, कैपेसिटी रेशियो सी इज इक्वल टू सी मिनिमम टू द सी मैक्सिमम। ये तीन डायमेंशनलेस पैरामीटर हमको यहाँ ध्यान में रखना होगा जिसके बेसिस पे हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, यहाँ चारों डेरिवेशन 90% सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, सेम ये डायग्राम ईच एंड एवरी थिंग हम लोग पैरेलल फ्लो के केस में एलएमटीडी में भी ड्रॉ किए थे कि ये हीट एक्सचेंजर है, हीट पैरेलल फ्लो है, हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ हॉट फ्लूड इन हो रहा है तो हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर टी एच आई, कोल्ड फ्लूड यहाँ इन हो रहा है तो कोल्ड फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर टी सी आई, हॉट फ्लूड यहाँ आउट हो रहा है तो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड टी एच ओ, हॉट कोल्ड फ्लूड यहाँ आउट हो रहा है तो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड टी सी ओ, द डिफरेंस बिटवीन एट इनलेट द डिफरेंस बिटवीन इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड दैट इज टी एच आई माइनस टी सी आई को हम नाम दिए थीटा वन, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूड टी एच ओ माइनस टी सी ओ इसका नाम दिए हम थीटा टू। यहाँ से एक्स एक्सिस पर इंडिकेट कर रहे हैं टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर लेंथ, वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर का दैट इज ए डी ए। यहाँ एट एलिमेंटल एरिया में हॉट फ्लूड इन हो रहा है उसका टेम्परेचर है टी एच, एलिमेंटल एरिया में कोल्ड फ्लूड इन हो रहा है वहाँ इसका कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर है टी सी, द टेम्परेचर बिटवीन एट द इनलेट ऑफ एलिमेंटल एरिया टी एच एंड टी सी दैट इज से थीटा, थीटा इज द टी एच माइनस टी सी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड। जब एलिमेंटल बॉडी में एलिमेंटल एरिया में जब हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड दैट इज से डी टी एच, जब एलिमेंटल एरिया में कोल्ड फ्लूड फ्लो हो रहा है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड दैट इज से डी टी सी। ये टर्मिनोलॉजी सेम हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं जो एल एम टी डी पैरल फ्लो के केस में हम लोगों ने यूज किया था, एम एच मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्रूट, एम सी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्रूट, सी एच स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्रूट, सी सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्रूट। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन पूरा कॉपी सेम
जो एपरल फ्लो के लिए हम वहाँ जो यूज किए थे एलएमटीडी मेथड में, सेम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि कंसीडर हीट ट्रांसफर अक्रॉस एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स। एलिमेंटल लेंथ डी एक्स में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ए डी क्यू, तो डी क्यू इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू डी ए टी एच माइनस टी सी। टी एच माइनस टी सी का नाम दिए है थीटा, तो यू डी ए इंटू थीटा इसका नाम दिए इक्वेशन वन, सेम कॉपी। नाउ इन एलिमेंटल एरिया हीट लॉस्ट बाई हॉट फ्लूड इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड फ्लूड। डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एच सी एच डी टी एच इज इक्वल टू एम सी 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 डी टी सी। यहाँ से एम एच इंटू सी एच को हम लिख सकते हैं कैपिटल सी एच, एम सी इंटू सी सी को हम लिख सकते हैं कैपिटल सी सी। इसका नाम दिए इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू का हेल्प लेकर के यहाँ से हम निकाल लिए, ये दोनों का हेल्प लेकर के निकाल लेते हैं डी टी एच, ये दोनों का हेल्प लेकर के निकाल लेते हैं हम डी टी सी। तो यहाँ से डी टी एच इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई सी एच, डी टी सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई सी सी। डी टी एच में से डी टी सी को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो माइनस डी क्यू वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। डी टी एच माइनस टी सी को हम एज्यूम माने थे थीटा, तो डी टी एच माइनस डी टी सी क्या हो जाएगा, डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। यहां तक इक्वेशन नंबर फाइव तक, इक्वेशन नंबर फाइव तक डेरिवेशन सभी कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं, सिमिलर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन थ्री में इक्वेशन वन से डी क्यू का वैल्यू, इक्वेशन वन में डी क्यू का वैल्यू क्या था, यू डी ए थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद थीटा वाले टर्म को एक तरफ लेकर चले आए, बाकी टर्म को दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू माइनस यू डी ए वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर को हम इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने के बाद लॉग थीटा टू बाई थीटा वन इज इक्वल टू माइनस यू ए वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। यहाँ तक डेरिवेशन सेम। अब एलएमटीडी मेथड में इसके बाद हम क्या किए थे कि टोटल हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूड इज इक्वल टोटल हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूड, उसको इक्वेट करके वहां से हम वैल्यू लिए थे वन बाय सी एच, वन बाय सी एच एंड वन बाय सी सी का वैल्यू लाए थे, और वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए थे। यहाँ इक्वेशन नंबर फाइव के बाद यहाँ चेंज हो जाएगा डेरिवेशन। हम अब यहाँ यूज कर रहे हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू हम जानते हैं क्यू एक्चुअल टू द क्यू मैक्सिमम। तो Q actual MC CPC TCO minus TCI by Q maximum क्या हो जाएगा, C minimum into THI minus TCI। Hot fluid के टर्म में अगर लिखना चाहें तो MH CPH THI minus THO by C minimum into THI minus TCI। अब यहाँ से ये MC into CPC को हम लिख रहे हैं CC, CC एम एच इंटू सी पी एच को हम लिख रहे हैं सी एच। अब ये दोनों का यूज करके, ये दोनों का यूज करके हम यहाँ से निकाल लेते हैं, लेंगे वैल्यू ऑफ टी सी ओ, और ये दोनों इसका यूज करके यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ टी एच ओ। ये दोनों का यूज करके टी सी ओ, ये दोनों का यूज करके टी एच ओ। तो टी एच ओ टी सी ओ का वैल्यू निकाल लिए। अब ये टी एच और टी सी ओ का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फाइव में। इक्वेशन नंबर फाइव में टी एच और टी सी ओ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन बन करके आ जाएगा, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस यू ए वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी बाई सी मिनिमम वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। अब यहाँ से वन बाई सी एच को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से वन बाई सी एच को हम कॉमन ले लिए, तो वन बाई सी एच को कॉमन ले लिए, यहाँ से वन बाई सी एच को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा वन, यहाँ हो जाएगा सी एच बाई सी सी। यहाँ वन बाई सी एच को कॉमन लिए तो यहाँ आ गया सी एच, ये हो जाएगा वन, और यहाँ सी एच बाई सी सी। अब हम यहाँ चूंकि वन बाई सी एच को हम कॉमन लिए हैं, तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि सी एच इज लेसर देन सी सी।
मीन्स सी एच इज लेसर देन सी सी का मतलब हो गया कि सी एच इज इक्वल टू सी मिनिमम एंड सी सी इज इक्वल टू सी मैक्सिमम। अगर आप 1/cc को कॉमन लेंगे तो उस केस में आप लिखेंगे सी एच इज ग्रेटर देन सी सी मीन्स सी सी इज इक्वल टू सी मिनिमम सी एच इज इक्वल टू सी मैक्सिमम। जो यहाँ हम कॉमन लेंगे उसको एज्यूम करेंगे यहाँ सी मिनिमम, उसको एज्यूम करेंगे सी मिनिमम, दूसरे को सी मैक्सिमम। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ सी एच है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम सी मिनिमम, जहाँ जहाँ सी सी है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सी मैक्सिमम। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ हम सी मिनिमम सी मैक्सिमम। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू ए बाई सी मिनिमम हम अभी देख चुके हैं कि यू ए बाई सी मिनिमम क्या होता है, एन टी यू। सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम क्या होता है, कैपेसिटी रेशियो सी। सी मिनिमम कैंसिल, यहाँ वन सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो सी। तो ये आ गया अपना फाइनल डेरिवेशन, फाइनल रिजल्ट कि फॉर पैरेलल फ्लो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 - e^(-NTU)(1+C)/1+C। तो सिमिलर स्टेप्स पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का जो डेरिवेशन है इक्वेशन नंबर 5 तक 100% सेम। इक्वेशन नंबर 5 के बाद पैरेलल फ्लो में हम टोटल हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टोटल हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड से हम 1/CH, 1/CC का वैल्यू लेकर के सब्स्टिट्यूट करते हैं। एनटीयू मेथड में इक्वेशन नंबर 5 के बाद इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल बाय क्यू मैक्सिमम, और इस यहां से हम टीसी नॉट और टीएचओ का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हम जो रिजल्ट है इसको ऑब्टेन करेंगे। तो सिमिलर वे में हम इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड हम डिराइव कर सकते हैं फॉर काउंटर फ्लो, सेम कॉपी पेस्ट। एंड काउंटर फ्लो के केस में जब हम डिराइव करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा फॉर काउंटर फ्लो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 - e^(-NTU)(1+C)/1+C)(e^(-NTU)(1-C)। जहां सी क्या है, कैपेसिटी रेशियो दैट इज सी मिनिमम टू सी मैक्सिमम। एन टी यू क्या है, यूए बाई सी मिनिमम। तो इस तरह से हम काउंटर फ्लो का डेरिवेशन सिमिलर वे में सेम फैशन में हम डिराइव कर लेंगे। नाउ अब एनटीयू मेथड के बेसिस पर यहां से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ए होम एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूजेस काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो है यानी कि कौन सा काउंटर फ्लो का फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर टू कूल 0.8 kg/s यानी कि मास फ्लो रेट यहाँ से कोल्ड फ्लूइड का दे दिया 0.8 kg/s ऑफ एयर फ्रॉम 45°C टू 15°C। द कूलिंग इज अकॉम्पनीड बाई ए स्ट्रीम ऑफ कूलिंग वाटर दैट इंटर्स द सिस्टम विथ 0.75 kg/s फ्लो रेट एंड 8°C टेम्परेचर। इफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज 35 W/m² व्हाट हीट एक्सचेंजर एरिया इज रिक्वायर्ड। यह मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि इसको LMTD मेथड से सॉल्व करना है या NTU मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि चारों टेम्परेचर दिया है क्या। तो यहाँ क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया है 1, 2, 3 टेम्परेचर दिया है, जब फोर्थ टेम्परेचर यहाँ नहीं दिया है। तो यहाँ इस केस में बेटर रहेगा कि हम NTU मेथड का यूज करें। तो नाउ सॉल्व करने के लिए हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूड दैट इज MH into CH। तो हॉट फ्लूड का मास फ्लो रेट दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लिए हम CH। कोल्ड फ्लूड का हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं, CC = MC into CC। कोल्ड फ्लूड का मास फ्लो रेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूड। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि CH का वैल्यू आया 804, CC का वैल्यू आया 3139.5।
यानी कि 804 इज लेसर देन 3139। इस केस में 804 यानी कि सी एच क्या हो जाएगा, सी मिनिमम, एंड सी सी क्या हो जाएगा, सी 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 मैक्सिमम। तो नाउ अब इस फॉर्मूले का यूज करके हमको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए, कैपेसिटी रेशियो चाहिए एंड एनटीयू चाहिए। तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं। कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो सी, सी क्या होता है, रेशियो ऑफ सी मिनिमम टू द सी मैक्सिमम। हम यहाँ सी मिनिमम सी मैक्सिमम निकाल चुके हैं, सी मिनिमम सी मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो निकल गया कैपेसिटी रेशियो, सी का वैल्यू निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है, क्यू एक्चुअल टू द क्यू मैक्सिमम। या तो हम इसको हॉट फ्रूट से निकाल सकते हैं या तो हम कोल्ड फ्रूट से निकाल सकते हैं, जिसका टेम्परेचर हमको गिवेन है उस फ्रूट का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा उस केस में, सी मिनिमम दोनों हो गया कैंसिल, यानी कि 45 - 15 / 45 - 8। यहाँ से हम निकालिए वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस एप्सिलन। तो हम सी का वैल्यू, हम कैपेसिटी रेशियो सी का वैल्यू निकाल लिए, हम इफेक्टिवनेस एप्सिलन का वैल्यू निकाल लिए। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ एनटीयू। और एनटीयू इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि एनटीयू इज इक्वल टू क्या होता है, यूए बाई सी मिनिमम। तो एनटीयू इज इक्वल टू यूए बाई सी मिनिमम, वहां से निकल जाएगा एरिया। तो नाउ तो यहाँ इफेक्टिवनेस का जो अपना फॉर्मूला है, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है कि 1 - e^(-NTU)(-C)/1 - c (e^(-NTU)(-C)। तो यहाँ से हम इफेक्टिवनेस का वैल्यू एंड सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एनटीयू का वैल्यू निकाल लेंगे। एनटीयू इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 1.92 आया। अब एनटीयू इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि NTU is equal to होता है UA by C minimum। तो UA by C minimum, UA, अब यहाँ NTU का value 1.92, U का value 35, area का निकालना है, C minimum 804 आया था, तो यहाँ से इसको solve करके निकाल लेंगे value of A, surface area required। तो इस तरह से हम by the help of NTU method कोई भी parameter को find out कर सकते हैं। तो ये था heat exchanger, LMTD मेथड, NTU मेथड, दोनों के डेरिवेशंस, दोनों के न्यूमेरिकल। आपकी एग्जामिनेशन RGPP के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज़ चारों डेरिवेशन को एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।